हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर। टुडे डिस्कस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी। द प्रीवियस वीडियो में हम लोग एपी में कुछ सम सॉल्व कर रहे हैं। कंसेप्ट है एन टर्म ऑफ एपी या जनरल टर्म ऑफ एपी। तो जनरल टर्म ऑफ एपी से रिलेटेड हम लोग प्रीवियस टू थ्री वीडियो हम लोग उसी पर बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो कल में हमने कल मैं कुछ होमवर्क दिया था, जैसे क्वेश्चन नंबर वन था, जो क्वेश्चन नंबर वन ऑलमोस्ट स्टूडेंट सॉल्व कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर टू भी सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर थ्री भी सॉल्व कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर जो फोर है सम ऑफ फोर टर्म एंड एट टर्म टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 16th एंड 10th टर्म इज 34, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस मैक्सिमम स्टूडेंट फाइंड कर लिए थे, उसका फर्स्ट टर्म नहीं फाइंड कर पाए थे। तो मैंने सोचा कि दिस क्वेश्चन नंबर फोर है, इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो फाइव है, ये भी मैक्सिमम स्टूडेंट मैक्सिमम टोटल जो भी होमवर्क भेजे थे मुझे सब सॉल्व कर दिए थे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन नंबर जो फोर है, इस क्वेश्चन नंबर फोर के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्लेन करने के बाद हम और इसी से जनरल टर्म ऑफ एपी या एन टर्म ऑफ एपी से ही हम और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो फोर है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म्स इज 34, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ओके, तो आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, देन तो हमें टी एन को हम टी फोर्थ एंड एट टर्म निकालना है। तो हमने कहा टी फोर इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए प्लस एन, एन का वैल्यू कितना है फोर, तो हमने लिख दिया फोर माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इंटू डी इक्वल टू ए प्लस थ्री डी। ओके, फिर हम टी एट निकालें, तो टी एट इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन के जगह एट हमने लिखा एट माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 7d। तो देयरफॉर टी फोर प्लस टी एट इक्वल टू ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d इक्वल टू ए में ए को ऐड किया तो 2a प्लस 3d प्लस 7d मिलकर 10d इक्वल टू 24। तो दिस इंप्लाई 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, या दिस इंप्लाई इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लिए, तो दिस इंप्लाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस 5d इक्वल टू 24। तो दिस इंप्लाई a प्लस 5d इक्वल टू 24 अपॉन 2, तो देयरफॉर a प्लस 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमने t6 इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 5d, और t10 इक्वल टू तो ये कितना हो गया था, t10 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 9d। तो देयरफॉर t10 प्लस t6 प्लस t10 इक्वल टू a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 2a प्लस 14d इक्वल टू 34।
दिस इम्प्लाई, हम यहाँ से टू कॉमन ले लिए तो टू कॉमन इन ब्रेकेट ए प्लस 7d इक्वल टू 34, तो दिस इम्प्लाई ए प्लस 7d इक्वल टू 34 अपॉन टू, तो देयर फोर ए प्लस 7d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर टू। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट तो ए प्लस 7d इक्वल टू 17 और ए प्लस 5d इक्वल टू 12, सब्ट्रैक्टिंग के तो माइनस माइनस माइनस, तो ए से ए कैंसिल होगा तो 0 प्लस 2d इक्वल टू 5, 17 में से 12 माइनस के तो 5 हुआ, तो देयर फॉर 2d इक्वल टू 5, तो देयर फॉर d इक्वल टू 5 अपॉन 2। फिर तो d 5/2 हो गया, मीन्स 2.5 भी बोल सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर वन वी गेट तो a प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 2 इक्वल टू 12, या दिस इम्प्लाई a प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 12, जैसे पता है आपको 5 में 5 का मल्टीप्लाई करती है तो 25 हो गया, तो दिस इम्प्लाई हमने एलसीएम लिया तो 2a प्लस 25 इक्वल टू 12 इंटू 2, तो दिस इम्प्लाई 2a प्लस 25 इक्वल टू 24, तो दिस इम्प्लाई 2a इक्वल टू 24 माइनस 25, तो दिस इम्प्लाई 2a इक्वल टू -1, तो देयर फॉर a इक्वल टू -1 अपॉन 2, तो a इक्वल टू -1 अपॉन 2 आया और d इक्वल टू 5 अपॉन 2। ओके, आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट्स आर डिविजुअल बाय 3, तो ऐसे नंबर हमें सिलेक्ट करना है कि टू डिजिट के नंबर लेना है जो 3 से डिविजुअल है, तो कितने ऐसे टू डिजिट के नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजुअल होंगे। आइए सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन, टू डिजिट नंबर्स, नंबर्स लिख देता हूं, टू डिजिट नंबर्स डिविजुअल बाय 3 आर क्या क्या हो सकते हैं टू डिजिट के नंबर? आपको पता है टू डिजिट के नंबर कहाँ से शुरू होता है, 10 से लेके 99 तक के नंबर को टू डिजिट के नंबर बोलते हैं, तो वैसे हमें टू डिजिट के नंबर सेलेक्ट करना है जो 3 से डिविजुअल है। टू डिजिट के नंबर 10 भी होता है, टू डिजिट के नंबर 11 होता है, लेकिन टू डिजिट के नंबर 3 से डिविजुअल नहीं होता है, 10 3 से डिविजुअल नहीं होता है, 11 3 से डिविजुअल नहीं होता है, हमें वो नंबर सेलेक्ट करना है जो कि 3 से डिविजुअल हो। डिविजुअल की मीन्स 3 से डिवाइड हो जाए, उसका रिमाइंडर 0 हो जाए। डिविजुअल की मतलब होता है वो नंबर 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो। तो हमारा कौन कौन सा नंबर है, हमने यहाँ सेलेक्ट किया हूँ 12 15 18 21 24 ... कितना 99 तक। ये 99 तक का नंबर है जो 3 से डिविजुअल होगा, जिसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो हमने फर्स्ट टर्म लिखा कि फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 12, कॉमन डिफरेंस डी पता है, कॉमन डिफरेंस आपको निकालने आता है, अब तो इसमें डाउट नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया डी, डी इक्वल टू 3, और लास्ट टर्म कितना एल, ये एल है लास्ट टर्म, 99 आया। तो हमको क्या टी एन का फॉर्मूला ए एन, अब टी एन ए एन में कंफ्यूजन तो ये, क्योंकि मैं मुझे हैबिट हो गया ए एन लिखने के लिए, टी एन और ए एन एक ही बात है, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो दिस इम्प्लाई टी एन मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है 99, टी एन मीन्स लास्ट टर्म, तो दिस इम्प्लाई 99 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी फॉर कॉमन डिफरेंस 3, तो दिस इम्प्लाई 99 इक्वल टू 12 प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3n माइनस 3, तो दिस इम्प्लाई 99 इक्वल टू 3, 12 में से माइनस 3 करेंगे तो 9 और प्लस 3n, तो दिस इम्प्लाई ये जो 9 है किस साइड में, RHS में है, अगर RHS से LHS साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाई 99 माइनस 9 इक्वल टू 3n, तो दिस इम्प्लाई 99 माइनस 9 इक्वल टू 9 टी, तो दिस सिंपल 90 इक्वल टू 3n, तो देयरफॉर n इक्वल टू 90 अपॉन 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 30, इसको डिवाइड कर दिए कि देयरफॉर n इक्वल टू 90 अपॉन 3 इक्वल टू 30, तो देयरफॉर n इक्वल टू 30, द नंबर ऑफ टर्म्स आर 30, तो ऐसे टू डिजिट के
टू डिजिट के वो नंबर जो थ्री से डिविजुअल होने वाले हैं वो टोटल कितने हैं, 30 हैं, 3030 नंबर हैं। सिर्फ 30 नंबर ऐसे हैं जो कि टू से डिविजुअल हो सकते हैं, सॉरी टू से नहीं, थ्री से डिविजुअल होंगे और टू डिजिट के नंबर होंगे, टू डिजिट के नंबर होंगे जो कि थ्री से डिविजुअल होंगे, वो टोटल नंबर के नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 30 हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, वो भी सेम कंसेप्ट पर, जो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है वैसे कंसेप्ट अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो हमें वो नंबर सेलेक्ट करना है जो कि 4 का मल्टीपल हो और किसके बीच का हो, 10 से लेके 250 के बीच का ही वो नंबर हो, उससे उसके उसके ना बाहर हो ना उसके उसके बाहर का भी ना हो और उसके पीछे 10 के पीछे का भी ना हो और फिर से क्या नाम है 250 के आगे का भी ना हो, दोनों 10 और 250 के बीच का ही नंबर होना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द सॉल्यूशन, ऑल द टर्म बिटवीन 10 एंड 250 आर मल्टीपल ऑफ 4 आर, क्या क्या हो सकते हैं वो नंबर, तो 12 जो 4 का मल्टीपल है, 16 4 का मल्टीपल है, 24 का मल्टीपल है, 24 4 का मल्टीपल है, डॉट 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 ये कहां तक जाएगा, 248। तो 248 भी 4 का मल्टीपल है। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 12, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 4 पता है, तो आपको कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 16 में से 12 माइनस करेंगे 4 होगा, 20 में से 16 माइनस करेंगे 4 होगा, 24 में से 20 माइनस करेंगे तो 4 होगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 4। लास्ट टर्म एल, एल कितना आ गया आपका 248। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस इन ब्रेकेट एन माइनस 1 इंटू डी, तो दिस इंप्लाई अब टी एन का वैल्यू 248 इक्वल टू 12 प्लस इन ब्रेकेट एन माइनस 1 इंटू 4, तो दिस इंप्लाई 248 इक्वल टू 12 प्लस 4 एन माइनस 4, तो दिस इंप्लाई 248 इक्वल टू 12 माइनस 4 8 प्लस 4 एन, तो दिस इंप्लाई 248 माइनस 8 इक्वल टू 4 एन, तो दिस इंप्लाई 240 इक्वल टू 4 एन, तो देयर फोर एन इक्वल टू 240 अपॉन 4 इक्वल टू 60, तो n इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया। तो हमारे पास तो n कितना है, n इक्वल टू 60, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 60। तो हमारे पास ऐसे कितने नंबर हैं जो कि ये दो 10 और 250 के बीच के, ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 4 का मल्टीपल हैं, वो टोटल नंबर कितने हैं 60 हैं, तो हम ये 60 नंबर हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम नंबर ऑफ टर्म भी निकाल सकते हैं, और मैंने आपको यहाँ पर दो थ्री क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन था होमवर्क में दिए थे वो क्वेश्चन मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आज करेंट वाले क्वेश्चन है जो कि मैंने सॉल्व किया, एंड क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए इसी से रिलेटेड आज हम लोग होमवर्क सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा हूं मैथ होमवर्क। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजुअल बाय 7, ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजुअल बाय 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजुअल बाय 2, एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, द 11 टर्म एंड 21 टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टली, देन फाइंड फर्स्ट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, सेकेंड द 24th टर्म एंड थर्ड nth सच दैट टी एन इक्वल टू 55। तो इस तरह से आपको मैंने 4 होमवर्क दिए हैं, और मैंने 3 क्वेश्चन, 6 4 तो क्वेश्चन आपका होमवर्क था, 6 7 मैंने आज के वीडियो के लिए बनाया है, उसे रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। तो स्टूडेंट
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप एक चार क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे।